नमस्कार, आप देख रहे हैं तीर्थयात्र न्यूज। मैं मोहम्मद इरफान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत के चुनावी मुद्दे पर खास चर्चा पछोता पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हेमंत कुमार से। नाम सौरभ कुमार हुआ, मैं ग्राम पछोता के रहने वाला हूं। मेरे बड़े भाई श्री इंजीनियर हेमंत कुमार मुखिया पद हेतु खड़ा हो रहे हैं और मेरे पूजनीय स्वर्गीय श्री बाबूलाल महतो जो कि समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा झुकाव थे और सब दिन हर आदमी को सुनते थे, समझते थे और किसी ना किसी रूप में मदद करते थे। जो भी हो उनके पास जो भी जैसा भी लोग जाए उनको सम्मान देते थे, उनसे अच्छा विचार व्यवहार सब देते थे। बस एक बार अच्छा पूजनीय बड़े पापा नहीं रहे हैं तो बड़े भैया हैं, वो मुखिया पद हेतु खड़ा हो रहे हैं। तो हम जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी मतलब जो भी होता है कि हम तो झूठा वादा करने वाले में से नहीं हैं कि हम बछौता पंचायत में मुख्यमंत्री को ला देंगे, फील्ड बना देंगे या फिर हॉस्पिटल बना देंगे। ये सब टाइप का हम झूठ बोल के जनता मालिक से विश्वासघात नहीं करेंगे। मैं आपसे जो सरकार की विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था को गांव में लाने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक किसी भी दरवाजा तक भीख मांगना पड़े। जो भी करना हो मैं करूंगा और निस्वार्थ भावना से करूंगा, जो कि आपको घर के दरवाजा तक वो सुविधा, सरकार की सुविधा को आपके घर के दरवाजे तक पहुंच सके। मैं 20 साल से मेरे बड़े पापा जो कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, ना ही मुखिया थे, ना ही सरपंच थे, ना ही कुछ और थे, फिर भी गांव को एक जो भी व्यवस्था होता है उसको बुलाने में कहीं भी कोई भी संकोच नहीं किए। आप देख लीजिए बछौता वार्ड नंबर 1 में बिरयाही पोखर है, वहाँ पे महादलित का कॉलोनी बना हुआ है, उस चीज के लिए वो हर दरवाजा तक गए, जहाँ तक हुआ उनसे बंद पड़ रहा अपना सब चीज दे के वहाँ पे महादलित के लिए कॉलोनी बना है और कॉलोनी अभी तक है। अभी वार्ड नंबर 5 में पछौता में जाके देखा जा सकता है कि एकदम विवाह भवन बनाया गया है, बजरंग बली का स्थान है वहाँ पे। वो नहीं कुछ रहने के बाद भी ये सब किए हैं। वार्ड नंबर 3 में मकतब स्कूल का निर्माण किया गया है उन्हीं के समक्ष, और वार्ड नंबर 8 में एक पासवान जी के बगल में क्या बोलते हैं वहाँ पे लोग बैठते हैं, शादी ब्याह का सब चीज होता है, वो सब बनाया गया है नहीं कुछ रहने के बाद भी। तो सोच लीजिए जनता मालिक, अगर एक बार आप लोग हमें मौका दीजिएगा तो सरकार का जो भी व्यवस्था है आपके घर तक पहुंचेगा, आपके दरवाजा तक पहुंचेगा, और जहां तक हो सके हम लोग तो ऐसे भी मदद करते आ रहे हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे जी। बहुत जल्द ही हमारे पंचायत में 3 नवंबर को चुनाव वोटिंग का डेट है। आप जनता मालिक से निवेदन है कि समय पे जाके वोट गिराएं और सेवा का एक मौका दें। बोले अपने मतों का स्वरूप ठीक, अपने बहुमूल्य मतों को अपने प्रतिनिधि को वोट देके उनकी हाथों को मजबूत करें और समाज को सफल पूर्वक विकास की ओर लेके जाएं, और जहां तक हो बहुत से बहुत आदमी को जागरूक करें, वोट गिराएं समय पे जी। धन्यवाद।